ये तो हम सभी जानते हैं कि पितृ हमारे पूर्वजों या एंसेस्टर्स को माना जाता है, मगर पितरों के भी एक देव है। क्या आप ये जानते हैं कैसे आए ये पितृ, कौन था इनका जनक और क्यों है इनकी इतनी अहमियत? ये आपको शायद ही पता होगा। ये सब कुछ जानने के लिए बने रहिए धर्मा लाइव के साथ, मगर उससे पहले हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए अब आपको हम बताते हैं पितृ का जन्म हुआ कहाँ से। विष्णु पुराण के अनुसार पितरों को उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ से, इसी कारण उनका नाम पितृ पड़ा। इससे ये भी संकेतिक है कि पीठ में रीढ़ की हड्डी होती है जिससे जुड़े हमारे कई चक्र होते हैं और इनका काम होता है हमें सांसारिक समस्याओं में सही दिशा दिखाने का। आगे विष्णु पुराण में लिखा है कि इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपना शरीर त्याग दिया था। ये शरीर संध्या का रूप लेकर प्रबल हुआ, इसी कारण शाम को पितृ बहुत बलशाली हो जाते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। अच्छा, गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने बताया है कि जब पितरों की बात आती है तो वो अर्यमा नाम के पितर हैं और जो भी पितरों की पूजा करता है वो विष्णु जी की पूजा करता है। मगर ये अर्यमा है कौन, आइए इनके बारे में आपको बताते हैं। इनका उल्लेख आपको कई पुराणों में मिलेगा, जैसे कि भागवत पुराण, विष्णु पुराण और शिव सहस्त्र नाम स्त्रोत। अर्यमा दरअसल अदिति और ऋषि कश्यप के 12 पुत्रों में से एक है। ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी हैं और आकाश गंगा इनका मार्ग दर्शाती है। इनका संबंध सूर्य से है और ये प्रातः काल और रात्रि काल के चक्र की देखरेख करते हैं। जो लोग मर जाते हैं वो पितृ बन जाते हैं, ये तो आप जानते हैं। पुराणों में पितरों को दो वर्गों में बांटा गया है, देव या दिव्य पितृ और मनुष्य पितृ। जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें देव पितृ की योनि मिलती है और वो सीधा देव लोग जाते हैं। बाकी को मनुष्य पितृ की योनि मिलती है और वो अपने अगले शरीर के मिलने की प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे में चंद्रमा के ऊपर के लोक को पितृ लोक कहा जाता है, जहाँ ये सभी विश्राम करते हैं। इस लोक के देव हैं अर्यमा। धर्म शास्त्रों में लिखा है कि हर आत्मा मृत्यु के बाद 1 से 100 वर्ष तक भी यहाँ प्रतीक्षा करती है और उसके बाद पुनर्जन्म लेती है। ऐसे में इन्हें हम पूजते हैं ताकि हमारे पितृ खुश रह सके और हमें आशीर्वाद दें। ऐसे में कई लोग ये कह सकते हैं कि हम ये जो खाना खिलाते हैं दूसरों को, तो ये हमारे पितरों को कैसे जाता है? देखिए, पितरों को खाना नहीं बल्कि आपका दिया हुआ संकल्प खुश करता है। जब आप किसी भी भूखे को, जानवर को, श्राद्ध में तो कौवे को, कुत्ते को खाना खिलाते हैं, तो इनकी तृप्त आत्मा आपको जो आशीर्वाद देती है यही आपके पितरों को भी खुश करती है। ऐसा कोई भी दान जो आप अपने पितरों के लिए करते हैं वो आपके लिए कई गुना ब्रह्मांड से खुशियां और आशीर्वाद लेकर आता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और पितृ पक्ष को लेकर या इससे जुड़ी कोई भी बात अगर आपको जाननी है तो हमने ढेर सारी वीडियोस आपके लिए खास धर्मा लाइफ पर यहीं पर बनाई हुई हैं, उन्हें जरूर जाकर चेकआउट करें।